जीडीपी के विकास दर में गिरावट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरों को कम कर दिया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान को अब 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। जीडीपी की कमजोर विकास दर और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट्स घटा दिया है। June 3rd and 4th, 2019, द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी असेस्ड द रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड द आउटलुक इन इट्स मीटिंग टुडे। इट वोटेड यूनानिमसली टू रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। जनवरी से अब तक ये तीसरी बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों को घटाया है। साल के शुरुआत में रेपो रेट 6.5% था जो अब 5.75% है। इसी के साथ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी अनुमान को भी 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है, जिसमें पहले आधे साल का अनुमान 6.4% से 6.7% के बीच रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार जीडीपी विकास दर में गिरावट का सिलसिला वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में भी बरकरार रह सकता है। लोकसभा चुनाव में कैश के लेन देन में बढ़त होने के बावजूद खपत पर खर्च कम हुआ है और रियल एस्टेट की खरीद बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मंदी आई है। रियल एस्टेट के खरीद पर किया जाने वाला खर्च जनवरी से मार्च के बीच सिर्फ 3.6% रहा, जो पिछले साल 11.7% था। इनके अलावा अमेरिका का भारत को अमेरिकी बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस देने की सूची से हटाना भारत के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी बनेगा, ये देखना अभी बाकी है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।